हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं Redmi 10 Prime के हिडन फीचर्स के बारे में। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। फर्स्ट नंबर पर है वीडियो टूल बॉक्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हम YouTube पे कोई वीडियो प्ले करते हैं लेकिन स्क्रीन ऑफ होने के बाद ये प्ले होना बंद हो जाता है, तो इसी का सोल्यूशन है ये टूल। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने का थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पे आपको स्पेशल फीचर्स दिखेंगे। इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको वीडियो टूल बॉक्स जो सेकंड नंबर पे, उसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको ऐप्स चूज़ करने हैं। तो सेकंड नंबर पर है यूट्यूब, इसे सिलेक्ट करते हैं। एंड इसके बाद जब आप यूट्यूब पर जाओगे तो यह है जैसे हमारा गाना है। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में टूल दिखेगा ये छोटा सा, उसे राइट स्वाइप करके ऑन करना है। फिर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा प्ले वीडियो साउंड विद स्क्रीन ऑफ, तो इसे ऑन कर देना है। इस तरह से आप स्क्रीन बंद करके भी यूट्यूब के वीडियोस प्ले कर सकते हो, आप गाने सुन सकते हो। सेकंड हिडन फीचर है हाइड फाइल्स। इसके लिए सबसे पहले आपको फाइल मैनेजर में जाना होगा, बाद में राइट स्वाइप करना होगा, बाद में फिर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि प्राइवेसी पासवर्ड सेट करना है। इसे सेट करने के बाद यहाँ पे आप फोटोज़, वीडियोज़ और जो आपके काम के फाइल्स है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यह आपके एक पर्सनल फोल्डर की तरह काम करेगा। ये फर्स्ट वे है जहाँ पे आप हाइड कर सकते हो किसी भी चीज़ को। और एक मैं सेकंड वे बताता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होगा, लाइक एक्स वाई जेड। अब ये फोल्डर में मुझे वो सब चीज़ें डालनी है जो मैं हाइड करना चाहता हूँ। अगर कुछ फ़ोटोज़ होती है तो फ़ोटोज़ ऐड करनी है इसमें, एंड ऑडियो फाइल्स या फिर और कुछ भी जो चीज़ आपको हाइड करनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको फाइल को रीनेम करना होगा। एंड इसके स्टार्टिंग में बस डॉट लगा देना है एंड ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं ये फाइल हैज ए हिडन फाइल डिटेक्ट हो गई है सिस्टम में। फिर यहाँ पे ओके करते हैं तो नीचे जाने पर अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड जो फाइल क्रिएट की थी वो अभी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपको अगर उसे देखना है तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है एंड शो हिडन फाइल्स। इसके बाद अगर आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको हिडन फाइल्स वो दिखेगी। यहाँ पे आपको वो सभी चीज़ें दिखेंगे जो आपने यहाँ पे ऐड किए थे। थर्ड फीचर है, वैसे इसका कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है लेकिन आप इसे बोल सकते हो कि आप किसी भी स्टेटस, जो आपका व्हाट्सएप स्टेटस होता है किसी ने रखा हुआ, वो आप 7 दिन तक देख सकते हो इस फीचर को ऑन करने के बाद। अगर आपने हाल फिलहाल में कोई व्हाट्सएप स्टेटस देखा होगा तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। लाइक उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर में क्लिक करना होगा। फाइल मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा व्हाट्सएप वाला आइकॉन, वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको लेफ्ट स्वाइप करने के बाद यहाँ पे दिखेगा आपने जो व्हाट्सएप स्टेटस दिखे थे वो सभी यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे एक तुरंत नोटिफिकेशन आएगा नीचे कि आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हो 7 डेज तक, तो उसे ओके कर देना है। तो ऐसे आप कोई भी व्हाट्सएप स्टेटस अगर आपने किसी का आज देखा है तो वो 7 दिन तक देख सकते हो। नेक्स्ट फीचर है हाइड ऐप्स। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके सेटिंग में जाना होगा। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने पर ऐप्स दिखेगा, उसमें जाना है। फिर आपको यहाँ पे ऐप लॉक में जाना है। यहाँ पे फिर ऐप लॉक आपको सेट करना होगा। वो सब सेट करने के बाद यहाँ पे आपको हिडन ऐप्स दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उन ऐप को सिलेक्ट करना है जिसको आप हाइड करना चाहते हो। लाइक अभी मैं नेटफ्लिक्स को हाइड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं इसे कैसे ओपन करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दो उंगलियाँ रखनी होगी एंड जूम आउट करना होगा। फिर आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप वो पासवर्ड डाल सकते हो जो आपने पैटर्न डाला था, या फिर आप फिंगरप्रिंट से भी इसे अनलॉक कर सकते हो। एंड देख सकते हो कि यहाँ पे हमें नेटफ्लिक्स आ चुका है जो हमने हाइड किया था। तो इस तरह से आप कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हो इस हिडन फीचर की मदद से। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। यहाँ पे अगर आप ऊपर से यहाँ पे स्वाइप डाउन करोगे तो आपको ये नया विंडो दिखेगा। यहाँ पे आपको वो सारे ऑप्शन दिखेंगे जो हमें पहले देखने को मिलते थे, बस थोड़ा सा ये अलग वे में है। अगर आपको वही पुराना व्यू चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है एंड फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन एंड सेंटर, कंट्रोल सेंटर, सॉरी, यहाँ पे भी आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल ये दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। तो अभी जो है वो न्यू वर्जन है, मतलब जो हमने अभी देखा है। यहाँ पे आपको लेफ्ट स्वाइप करने पर ये नोटिफिकेशन दिखाई देगा और अगर आप राइट से स्वाइप करते हो तो ये अलग सा व्यू आ जाता है। अगर आपको टिपिकल सा शाओमी फ़ोन वाला व्यू चाहिए तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो
ओल्ड वर्जन, फिर आपको स्वाइप डाउन करने पर ये ऑप्शंस आएंगे जो हमें पहले Xiaomi के फ़ोन्स में दिखते थे। नेक्स्ट फीचर है अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड। इसके लिए सबसे पहले आपको सिक्योरिटी में जाना होगा। सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको बैटरी में जाना है एंड यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे दिखेगा अल्ट्रा बैटरी सेवर, इसे ऑन कर देना है। यहाँ पे आपको ओके करना है। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे जो बैकग्राउंड में डेटा यूज़ होता था वो सब बंद हो जाएगा एंड आपकी बैटरी पहले से ज़्यादा चलेगी। ये मोड आपको तब काम आएगा जब आप ट्रैवलिंग करते हो या फिर आप कहीं पे जाओगे, उस समय इनकमिंग आउटगोइंग और मैसेजिंग यही सब यूज़ होंगे। बाकी अदर ऐप्स में जो डेटा कंज्यूम होता है, मतलब जो आपकी बैटरी कंज्यूम होती है, वो सब बंद हो जाएगी। आप इसमें ऐप्स ऐड भी कर सकते हो जो आपको ऐड करने होंगे, लाइक यूट्यूब हो गया या फिर व्हाट्सएप वगैरह, जो भी ऐड करना है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो एंड इससे आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 266 आवर्स चल सकती है बैटरी, ये लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन आपको भी पता है और मेरे को भी पता है इतनी देर तो नहीं चलने वाली है। नेक्स्ट फीचर है डार्क मोड। इसे इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको स्वाइप डाउन करना होगा, फिर यहाँ पे इसे एक्सप्लोर करते हुए यहाँ पे आपको डार्क मोड का ऑप्शन दिखेगा, इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करते ही आपका पूरा फ़ोन डार्क मोड में चला जाएगा। आप कोई भी ऐप ऑन करोगे तो ये सभी आपको डार्क मोड में दिखेंगे। आपको अलग से हर एक ऐप को डार्क मोड में करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट फीचर है थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट। अगर आप यहाँ पे थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करोगे तो ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये एक आसान तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का। आपको स्वाइप डाउन करके फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको आपके थ्री फिंगर से स्वाइप डाउन करना होगा और ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। नेक्स्ट फीचर है फ्लोटिंग विंडो। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। इसे क्लिक कर दे, यहाँ पे आपको ऊपर में फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक करना है एंड फिर यहाँ से आपको उस ऐप को सिलेक्ट करना है जिसकी आपको फ्लोटिंग विंडो चाहिए। लाइक मुझे अभी क्रोम की चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्रोम की फ्लोटिंग विंडो आ चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से आप इसे मूव भी कर सकते हो एंड इसकी साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है इमरजेंसी एसएस। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा इमरजेंसी एसएस। जब आप 5 times ये जो स्क्रीन लॉक की बटन है इसे अगर प्रेस करते हो तो अपने आप ये इमरजेंसी एसएस एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें जब आप कोई भी कॉन्टैक्ट्स ऐड करते हो, लाइक आपके फैमिली मेम्बर हो गया, आपका फ्रेंड हो गया, इमरजेंसी मैसेज चला जाएगा उन कॉन्टैक्ट्स को जो आपने यहाँ पे ऐड किए होंगे एंड इसी के साथ उस मैसेज में आपकी लोकेशन भी शेयर हो जाएगी। इसमें MediaTek का G88 न्यू प्रोसेसर दिया है। अगर इसमें आप गेमिंग करने वाले हो तो आपको कुछ डेवलपर सेटिंग्स ऑन कर देनी चाहिए, वो हम अभी देखते हैं, जिससे आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा एंड स्मूथ चलेगा फ़ोन। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको अबाउट फ़ोन में जाना होगा एंड फिर यहाँ पे ऑल स्पेक्स, फिर यहाँ पे MIUI वर्जन पे आपको टैप करना है 3 बार। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें डेवलपर लिखा हुआ आया, फिर आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। फिर आपको बैक करना है एंड यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो डेवलपर ऑप्शन ऑन हो चुका है, इस पर क्लिक करना है एंड नीचे जाने के बाद थोड़ा ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करना होगा। फिर यहाँ पे आपको फोर्स 4x MSAA ये ऑप्शन दिखेगा, इसे ऑन कर देना है एंड इसी के साथ यहाँ पे आपको नीचे और जाना होगा एंड यहाँ पे आपको जो बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है इसे 2 कर देना है। ये 2 सेटिंग्स आपको ऑन कर देनी है डेवलपर ऑप्शन से, फिर आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब हिडन फीचर्स थे इस Redmi 10 Prime के। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।